साउथ फिल्म इंडस्ट्री आजकल फैंटेसी ड्रामा बनाने में आगे दौड़ रही है जिसमें माइथोलॉजिकल कनेक्शन होता है. वैसे ही होगी अपकमिंग मूवी कनप्पा जो कि भगवान शिव के एक भक्त की कहानी है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी का बजट 100 करोड़ है जो कि ठीक भी है और थोड़ा सा कम भी. ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो एक तेलुगु फिल्म जिसे पैन इंडिया फिल्म बनाया जाएगा, पर इसमें मलयालम इंडस्ट्री से मोहनलाल जी हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से अक्षय कुमार हैं, तमिल फिल्म इंडस्ट्री से नयनतारा हो सकती हैं. मतलब हर एक इंडस्ट्री के एक्टर को लिया है जिसका इस मूवी को फ़ायदा हो. पर इन्होंने ऐसे एक्टर्स को लिया है जो अपने फील्ड के महारथी तो हैं पर हाईएस्ट पेड एक्टर्स भी. अब अक्षय ने इस मूवी के 4 दिनों की शूट के लिए 6 करोड़ लिए और ऊपर से दी बाहुबली प्रभास भी इस मूवी का हिस्सा है, इसलिए थोड़ी सोच में डालने वाली बात हो गई है. पर अगर ये 100 करोड़ वाली मूवी है तो डेफिनेटली प्रभास के करियर में ये एक स्मॉल बजट मूवी कर रहे हैं. वैसे 100 करोड़ में फैंटेसी वर्ल्ड दिखाना ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि डायरेक्टर का विजन कैसा है, उसे किस लेवल की पे लेकर दिखाया जाएगा. अगर हर कोई हॉलीवुड लेवल का प्रोजेक्ट बनाना चाहता है तो 100 करोड़ सफिशिएंट नहीं है. जैसे कल की 2898 पर 100 करोड़ में फैंटेसी वर्ल्ड दिखाना जिसमें माइथोलॉजिकल ब्लेंड हो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है. इससे पहले हमने मूवी हनुमान देखी है डायरेक्टर प्रशांत वर्मा और एक्टर तेजा सज्जो की मूवी जो सिर्फ 25 करोड़ में बनी थी जिसका कनेक्शन इंडियन माइथोलॉजिक के सुपर हीरो हनुमान जी के साथ था. दूसरा एग्जांपल है 2022 की मूवी कांतारा. कहानी से लेकर मेकओवर तक इतना डिटेलिंग पर काम था, इतनी ऑथेंटिसिटी थी, वो भी सिर्फ 16 करोड़ में. हाँ इसमें बड़े एक्टर्स नहीं थे पर जो दिखाया उसके लिए कोई इंसान 100-150 करोड़ भी बहा था. पर ऐसे में रिजल्ट की गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि सब बजट पे नहीं होता. तो खैर बाबू तो आप कितने एक्साइटेड हो कनप्पा को लेकर, हम फिर मिलेंगे. बाय बाय. बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड. WhatsApp hi to 8828 85088.